कितना खूबसूरत मंजर है ये सुबह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप सब खैर होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जनाब रमाज़दा की है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत की है, डेली की रूटीन यही थी हमारी। अभी ना मैं थोड़े से चावल लेके आया हूँ जो मैं डेली डालता हूँ जानवरों परिंदों को, ताकि भाई सुबह सुबह अपना ये भी रिजक लेने के लिए निकलते हैं। तो थोड़े से चावल हैं डेली डालता हूँ, ताकि भाई सुबह सुबह ये भी अपना रिजक लें अपने बच्चों के लिए। जनाब अल्लाह ताला इनको देता है और हमें भी देता है। ये देखें माशाल्लाह, सुबह सुबह चिड़ियाँ, कब्बे और माशाल्लाह अपना रिजक लेने के लिए जनाब आ गए हैं। तो डेली में डालता हूँ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं बाज़ पर चिड़ियाँ सामने आके, तो जनाब शोर में जाती हैं कि भाई उठो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी ज़्यादा हो गया, पहले कम थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए। और इनकी आवाज़ देख रहा, जुमरात भी और मस्जिद में भी लगे हुए हैं कि भाई फंड इकट्ठा करने के लिए, चिड़ियों की आवाज़ सुने। देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है ये सुबह का। इस तरह शोर डाल दी सुबह सुबह जब मैं सोया हुआ ना, तो मुझे उठाती है कि भाई उठो। माशाल्लाह जी, ये मंजर बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब जानवर अपना रिजक लेके जाते हैं सुबह सुबह। तो लेकिन अब थोड़ी देर तक जाना है मैंने बाहर, और टोपी मैंने इसलिए मैंने भी टेंट करवाई थी कल, वो मुझे भी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे, लाजमी करेंगे, आपने भी फिक्र रहना है, क्योंकि टेंट 3 से 4 मिनिमम करवाएंगे, उसके बाद फिर इसको होना ये चक्कर है। न्यू टेंट, न्यू लुक, इस तरह की लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो आज मेरा आदेश ने बोलते रहना है, मिला हम नीचे चलते हैं जरा, था दूसरा काम, उसके बाद चलते हैं आपको बाहर का विजिट करवाते हैं। दूध देख लेना आप हमारा, माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, और पुदीना भी, लेकिन इस पे अमरूद अभी तक कोई भी नहीं पड़ा, तो पता नहीं कब पड़ेंगे, कब खाएंगे। जिंदाबाद ट्राईपॉड मेरा बेचारा, लेकिन ये इधर से ना टूट गया हुआ है, ये देखें, ये हर दफ़े इधर से टूटता है यार, पता नहीं क्या बात है इसको, मुझे कुछ समझ नहीं आती, शायद मैं ये इसका जो नीचे वाला पेज है ज़्यादा टाइट हो जाता है, इस वजह से टूट जाता है, लेकिन इधर ही रहता है। इंशाल्लाह जनाब अभी थोड़ी देर तक चलते हैं बाहर, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो है, बैटरी भी चार्ज नहीं हुई, और क्योंकि चार्ज मैंने लगा के सोया था, सोचा कि चार्ज हो जाए लेकिन चार्ज नहीं हुआ। खैर चले अभी लगाते हैं 10 से 15 या 20 मिनट, उसके बाद फिर हम चलते हैं बाहर। तो लेकिन जनाब चेंज मैंने कर लिया, अभी मैं जाने लगा हूँ बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। कैब मैंने रात को मैं साथ लेके आया था, कभी बाद मुझे बताया कि मैंने टेंट करवाई हुएगा मसला ना, मैंने इसलिए भाई इसे अपने साथ रखता हूँ मैं। तो कैसी लगती है, अब तो आ भी नहीं रही, क्या करें भाई इसका, अब आ गई, अब ठीक है, अब सही है। बाहर जाएंगे लोगों को पता नहीं होगा कि टिन करवाई है ना। जिस दिन जुमेरा, तो इस बंदे ने स्पीकर को नहीं छोड़ना होता, दिन शुरू होता है तकरीबन 8-9 बज जाते से, भाई कह कह के स्पीकर से छोड़ दो भाई, छोड़ दो जान, छोड़ दो, जिन लोगों ने फंड देना वो दे देंगे आपको, लेकिन अभी देखिए किस तरह लगा हुआ है। हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों ने अपने जानवर रखे हुए हैं, सुबह सुबह उठते हैं भाई, दूध निकालते हैं और फिर सेल भी करते हैं। लेकिन सबसे खुशी बात ये है कि गांव में जो खूबसूरती है ना, वो हमारे गांव में खूबसूरती सबसे बेहतर है, और सुबह सुबह का मौसम जो है ना माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। आगे सर्दी आने वाली है जनाब, ये कुछ डेरे आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा दिखाए हुए हैं, तो इधर पहले इन्होंने जानवर रखे थे लेकिन जानवर अभी नहीं है इधर, मेरे ख्याल चले गए, वो सामने बाग है, उधर चलते हैं, उधर से अमरूद खाते हैं, उसके बाद फिर भाई थोड़ी सी वॉक करते हैं, फिर घर को चलते हैं। देख लें, ये लड़का अमरूद लेके चला गया, और ये बाग जहाँ मैं आ गया हूँ, ये देखें कितना बड़ा बाग है, अमरूद इधर लगे हुए हैं। ये सबसे पहले मुझे एक मिला है, ये है भी खाने लायक, उतारते हैं इसको खाते हैं, कच्चा है लेकिन
कच्चा अमरूद जो है ना वो बेहतर रहता है। दूसरा जो है ना वो उसके अंदर हम पंजाबी जुबान में कहते हैं लोड़ियां पै गई। इधर लीमू भी देखा कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने ज्यादा पड़े हुए हैं, वो भी ये बाग बहुत बड़ा है। अब देखे मछला कितना फैल गया, लेकिन ये देखे गेलकॉट, ये भी अमरूद लेकिन अच्छा खासा पैसा बनाते हैं ये लोग। ये नहीं कि पैसा नहीं कमाते, बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। बाहर का सीन देख ले माशाल्लाह, सूरज निकल आया जनाब, तो लोगों ने अपनी मुंजी की काश जो की हुई है वो भी माशाल्लाह देखे कितनी खूबसूरत हो गई हुई है। बाहर का सीन जैसे धुंध पड़ी हुई है आपको दिखाते हैं भाई, वो भी देखे आगे ये चीज। साथ में भाई एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और साथ में मैं अमरूद भी खाने के लिए आया हूँ। अमरूद का एक पौधा, हाँ यही है भाई जो मीठा था। ये चीज इधर से उतारे, हाँ यही मीठा फल देख लें। इधर से तीन चार अमरूद लेते हैं। अब वगैरह मैंने कर ली है एक्सरसाइज भी जितनी मैंने करनी थी कर ली है। वजन ना होगा भाई एक दिन में सारी एक्सरसाइज कर लें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला कदम फिर बाद में दूसरा कदम। ऐसे नहीं होगा कि भाई एक दिन ही आप सारे कदम उठा लें तो उसके बाद फिर चार पाँच पे उठे ही ना, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप। ये आज तो लगता है जैसे सारी ज़िंदगी की एक्सरसाइज आज ही कर रहा हूँ मैं, ये एक दिन ना होता है उसके बाद फिर पूरा महीना जो है ना वैसे ही रहता है। इसलिए अब डेली हमने ऐसे ही किया कर रहे हैं, ये डेली रूटीन, क्या ख्याल है? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद सो जाना ये फिर मतलब मजेदारी नहीं है। तो लें जनाब शेर पुत्र साढ़ा उठ गया, अभी हम जाने लगे हैं सब्जी लेने के लिए। तो कहती है मुझे भी साथ लेके चलें, तो इसे भाई साथ लेके जाना फिर लाजमी बनता है। अभी सब्जी वाला आया होगा उसके पास चलते हैं, करेले लेते हैं। तो वो आशा बनाएगी आज करेले हैं, बताओ बनाएगी? बोलो बाबा किधर है, बाबा बोलो बोल दो। अब बाबा बोलती है अकेली बैठी हो आवाज़ें देती है, तो रात 12 बजे सोई, इतना तंगी है इसने अभी उठी है, वो भी उठाया उठाया है। अभी ये सब्जी वाला आ गया, इसे सब्जी लेते हैं। क्या हाल जनाब, करेले आने जी किस तरह से किलो का लिए, क्या लेना आपने? छोटे छोटे करेले लेने लगे बेटे। जनाब मैं निकला हूँ ड्यूटी के लिए और ड्यूटी में चलते हैं, उधर जाके सब आपसे मिलते हैं। आयशा जी काफ़ी तंग कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं सोचा कि चलो फ्रेश होना था नाश्ता करना था फिर उसके बाद से तो चलते हैं जनाब, पहुँच के आपसे मिलते हैं। फिर रास्ता देख लें, इतने खूबसूरत रखत लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह जाके आपसे मुलाकात। भाई साहब शोरूम पे आने के बाद नाश्ता करना है, नाश्ता चन्नी और साथ में नान है वो करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी ड्यूटी को शुरू करते हैं। कुलचे लगाए हैं साथ में चन्नी और रोटी, तब आ जाए हमारे साथ। शादी आ गई माशाल्लाह लाल साहब की जनाब, तो सबको इनवाइट है, जिस जिसने आना आ जाए। अच्छा अभी खाने के लिए आए, अभी फिर आप तो लें गाइस, नया स्टाइल आ गया है ये देखिए, ये इमरान ने इजाद किया नया स्टाइल, क्योंकि इमरान जब तक कहेगा क्या बाता ने तब तक हम रहेंगे खुश। इसी तरह देख लें, इमरान कैसे हो भाई? ठीक हो इमरान? क्या बाता ने इमरान जनाब फिट हो गया अजकल जनाब, वाला पता नहीं कितने जाना, कुछ समझू बहर हो गया था। बिलाल साहब जनाब शादी आ गई, बिलाल साहब साहब शादी तो जाना लाजमी, मिस नहीं करना है, नुस्खा नाल लैके जाना है। दूसरा अपना वो पार्टी का की करना है, ये नहीं बेची खानी है या मतलब लैदा करना है? हाँ हाँ नहीं अभी गल ठीक है, हाँ बिल्कुल लें जी। हाँ सारा डिसाइड कर दी कि पार्टी या तो पहले लेंगे शादी से या फिर दूसरे दिन, तो देखें क्योंकि शादी कराने के बाद भी बिलाल साहब की तरफ से पार्टी बनती है, ये तो शादी पे खाना खाना ही पार्टी थोड़ी है, क्या ख्याल क्या कहते हैं आप? खैर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह जो कि नई ब्लॉग के साथ। अपने बहुत से दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को दे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।